नमस्ते शून्यम। नमस्ते माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फिर तूने आज टाइम निकाला है हमारे साथ बातें करने के लिए। तेरी लाइफ की जो जर्नी है बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगा कि और भी तेरे पास बहुत सारी बातें होगी जो तू हमारे साथ शेयर कर सकती है। तो कुछ भी जो भी याद आए लगे कि शेयर करने जैसा है वो हमें बताओ। जी माँ, पिछली बार कुछ कहानियाँ रह गई थी हमारी शेयरिंग में जो मुझे भी ख्याल में नहीं थी, तो ऐसे ही कुछ दो तीन छोटी जूसी स्टोरीज आज मैं शेयर करूँगी। गुड। मोस्टली मॉनेस्ट्री की ही है क्योंकि वहाँ मैं अकेले रहती थी, तो कई अनुभव बाहर भीतर दोनों ही घटे जो एक साधक के लिए शायद यूज़फुल रहेंगे, तो वो ही मैं बांटना चाहूँगी। जैसे एक बार पहली मॉनेस्ट्री में लगभग 7-8 रेजिडेंट्स रहा करते थे, मोस्टली पीपल आते जाते थे, और एक डच मंक और मैं ही थी जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट एक तरह से वहाँ पर थे, जो करीब 1 साल प्लस वहाँ रुके। तो उस मॉनेस्ट्री में ना बिल्लियाँ बहुत होती थी, तो दो बिल्ली, उनका नाम होता था टुई। उनको तो कोई जो प्रेमी था उस मॉनेस्ट्री का, यंग लड़का था, वो लेके आया था। फिर उन बिल्लियों के और दोस्त बन गए, तो सब करीब 9 से 12 बिल्लियाँ ऑन ऑफ रहती थी वो, और बहुत ही लविंग थी वो, सबके साथ मिलती थी, कोई ऐसी जो एक डिस्टेंस रखते हैं ना और बिल्ली डर जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनमें से एक बिल्ली मेरी कुटी में रहती थी, अंदर तो नहीं, मैंने उसका बॉक्स बना दिया था, छोटा सा होम, एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में ब्लैंकेट लगा के, तो उस पर वो सोया करती थी पोर्च में। धीरे धीरे उसकी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। क्योंकि पूरा दिन हम एक दूसरे को ही देखते थे, वो चूहे पकड़ती थी, मैं डिस्कॉर्ड सुनती थी, तो ऐसे हमारा टाइमिंग्स सेम हो गए थे एक समय के बाद, कि जब मैं आऊँगी तब वो भी आ जाएगी, उसे पता चल जाता था अच्छा ये आ गई, और मैं भी ढूंढा करती थी उसको कहाँ है, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो भी वो हेल्प करने को आ जाएगी या मेरे शोल्डर पे बैठ जाएगी। तो इस तरह अच्छी दोस्ती हुई, और दिन में जब हमारा मेन मील होता था तो उसके बाद करीब 1 घंटे बाद मैं वॉक किया करती थी अपने वॉकिंग पाथ पे। तो वॉकिंग पाथ एक वुडन पाथ था, करीब 27 स्टेप्स का, तो उस पर थोड़ी नींद का दौर भी होता है, वो तो बैठ के ध्यान नहीं करती थी, चल के करती थी। तो उस पर करीब 1 घंटा चलते चलते, और फ़ोन पे ओशो का कोई डिस्कोर्स चल रहा होता था, तो वो बिल्ली उस टाइम आकर और वहाँ पर लेट जाती थी पाथ के बीच में, उसका फिक्स्ड था, उसको जैसी आवाज़ सुनेगी वो भी आ जाएगी, लेट जाएगी और मैं वॉक करती रहूँगी। एक दिन ऐसी मैंने ज़्यादा खा लिया होगा शायद, तो मुझे बड़ी नींद आ रही थी, तो मैं आके अपनी कुटी में लेट गई और गेट बंद करके सो भी गई। थोड़ी देर में मैंने आवाज़ें सुनी, वो बिल्ली स्क्रैच कर रही थी डोर पे, एक बार दो बार मैंने उसको बोला भी कि जा जा, पर तो उसने नहीं सुना। फिर 5 मिनट में फिर स्क्रैच किया और म्याऊं म्याऊं भी कर रही थी, तो फिर मैंने खोला दरवाज़ा, देखा वो है, और उस टाइम मतलब उसको चिंता लगी कि तू क्यों नहीं आई है। ऐसा ही लगा मुझे। अच्छा। कि भाई बाहर आ, अंदर क्या कर रही है। ओके। क्योंकि नॉर्मली होता नहीं था ना ऐसे। तो खैर वो ही जाने उसने क्या सोच के किया, बट मेरे को बाहर निकाल दिया उसने उस समय, और मैं बाहर आई तो मैंने फिर लगा के फोन रखा, डिस्कॉर्ड चलाया, वॉकिंग पाथ पे चलना शुरू करा, तब उसने सांस भरी और वो वहां पर लेट गई। और लेट गई, अब मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं थी उस टाइम चलने की, तो मैं 5-10 मिनट बाद चल के बैठ गई। तो जहाँ पर मैं बैठी वहाँ फ़ोन भी रखा था, और बड़े प्रेम से वो आकर मेरी लैप में बैठ गई, फ़ोन भी वहीं था, अंदर नहीं जाने दिया पर उसने मुझे, और वो वहीं पर बैठी रही और हमने वो प्रवचन सुना। उस दिन मेरे को बड़ा ये भाव आया भीतर कि मेरे लिए तो सोना उस टाइम हर एक चीज़ चाह रही थी कि मैं सो जाऊँ, जानने का कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन शी वॉज माई जेन मास्टर इन दैट मोमेंट।
उसने उठाया मुझे वापस पाथ पे चलवाया, जो कि जब आप रोज रोज करते हो ना तो आप इजी हो जाते हो कि चलो कोई नहीं, पर क्या पता वो इच्छा नोबडी नोज। तो इस तरह की बातें होती भी रहती थी संघ में, तो उस टाइम मैंने आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू अच्छा कि उसने मुझे जगाया। तो इस तरह काफ़ी ट्यूनिंग उनके साथ रहती थी, बर्ड्स और ट्रीज और जो भी एनिमल्स तो इतने नहीं थे, बट ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मुझे लगते थे। लोगों के साथ तो हम शब्दों से बात करते हैं, बट ये लोगों के साथ डायरेक्ट बात होती थी ऐसा लगता था, बॉन्ड में जैसे। हाँ, कम्युनिकेशन। यस यस, एंड वो फील होता था, वन साइडेड नहीं लगता था। एक बार एक पेड़ की कहानी शेयर करूँगी, शायद पाइन ट्री हुआ करता था वो, मुझे नाम नहीं पता, बट उसका लुक ऐसा था, बहुत बड़ा पेड़ था मोनेस्ट्री के एंट्रेंस पे, अंदर जाके बहुत कम लोग वहाँ जाया करते थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वो। उसके आसपास मैं काम किया करती थी, वीडिंग होती थी या कुछ हेज ट्रिमिंग ये सब हम करते थे वर्क पीरियड में, तो मैं बाय चांस उसके आसपास काम करती थी। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है आज यहाँ काम है वहाँ काम है, मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर जब थक के मैं बैठती थी वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता था मुझे उस पेड़ के पास पीछे लगा के मैं लेट जाती थी, एक लॉग था, और रोज़ रोज़ होता गया वो। तो फिर कुछ दिन जब मैं नहीं गई तो अंदर से जैसे लगा समथिंग इज़ मिसिंग, कि मैं कुछ छूट रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, और एकदम फिर बाई चांस कोई मुझे उस तरफ बुला लेगा तो रास्ते में मुझे ख्याल आएगा चलो थोड़ी देर उसके पास जाके बैठती। इस तरह आना जाना बढ़ता गया उसके साथ, मैं बैठा करती थी उस पेड़ के पास, और कभी कभी तो जब मैं लो होती थी तब भी मैं चले जाती थी, और वो हमेशा रिस्पॉन्ड करता था, कभी ऊपर से कुछ गिर जाएगा, पहले मुझे लगा कोइंसिडेंस है, ऐसे ही तो कुछ भी गिर सकता है, पत्ते भी गिर सकते हैं, लेकिन द मोमेंट मेरा वो अंदर भाव होता है उसको मैं ऐसे टच करती लेटती उसके पास, तब भी कुछ ना कुछ गिरता, हर बार थोड़ी ना कोइंसिडेंस है, और कभी पत्ता गिर गया, कभी उस पर वो कोन्स होते हैं छोटे छोटे, एक कोन गिर गया, या कभी हवा बड़ी ऐसी चलती थी कि बस इसी क्षण में चली है हवा, इस तरह मुझे लगा करता था। तो ऑलवेज फेल्ट वेरी कनेक्टेड, समटाइम्स इवन बिफोर लीविंग, जब मॉनेस्ट्री से मुझे जाना था, मैं करीब एक घंटा बैठी वहाँ पर, और आंसू भी थे मेरी आँख में काफ़ी, और एक ऐसा लगा जैसे वो भी मेरे से बात कर रहा है, वो भी मेरे से प्रेम कर रहा है, और ऐसा बड़ा डीप कम्युनियन जिसे कहते हैं वैसा फील हुआ। एंड इस तरह की जो चीज़ें मैं महसूस करती थी एक्सपीरियंस करती थी आसपास, तो बड़ा गहरा डीप में जैसे हम जुड़े हों ना ऐसा भाव आता था, और ऑलवेज टू वे नेवर वन वे, इफ दे रेस्पॉन्ड आई रेस्पॉन्ड, तो दोनों तरफ से हुआ करता था। इसी तरह एक एक बार एक छोटी सी बर्ड थी वहाँ पे, किंगफिशर बर्ड, मुश्किल से इतनी होगी वो, मेरे पास फोटो है उसका। तो जहाँ हमारा दाना हॉल होता था, जहाँ खाना खाते थे हम लोग दिन का, वहाँ पर ग्लास की बहुत बड़ी विंडो होती थी, और कई बर्ड्स ना उन्हें पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ग्लास है, तो वो ठुक करके उसमें आके, उन्हें चोट भी लगती थी तो, या कुछ गिरते थे कुछ वापस हो जाते थे, तो और कभी कभी कुछ अंदर फंस भी जाते थे, कैसे निकले फिर वो बड़ा तड़पते थे। तो इस तरह शाम को रोज़ एक बर्ड आया करती थी, यही किंगफिशर जैसी छोटी सी ग्रीन कलर की बर्ड थी, तो मैं देखा करती थी टी टाइम पे इनका, चलो वी हैव कम टू टी, शी हैज़ ऑल्सो कम फॉर टी, तो वी चाय पीने आई है वहाँ पर। तो इस तरह रोज़ वो आया करती थी उस 6 बजे के करीब, 7 बजे हमारा मेडिटेशन होता था इवनिंग का। तो एक दिन वो आई और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई टक, और ग्लास से टकराई जी, तो मैंने तो खाली आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आई, तो जब मैंने मुड़ के देखा तो देखा कुछ वहाँ पे स्पॉट सा था ऐसा ब्लर ग्लास का,
तो मैं गई देखा वो नीचे गिरी हुई है, उसे ऐसे गिरी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ लाइफ होगी अभी, तो मैं पानी आने पिलाऊं, मैंने उसको उठाया बट शी वॉज नो मोर। अच्छा, तो मर गई थी। काफ़ी ज़ोर से टकराई होगी क्योंकि तभी एकदम मुझे तो सारे हाथ ऊपर, तो उसमें कोई प्राण नहीं था जब मैंने उसको हाथ में लिया, मगर मेरे को बड़ा टच कर गई वो चीज़। जैसे तुझे भी बहुत फीलिंग आई होगी। ओह, आई हैव डाइड। मैं तो रोना चालू, और मतलब बड़ा उसको कि ये तो एक तरह से एक फ्रेंड तो थी, रोज ही देखते थे हम एक दूसरे को, तो नॉर्मली वो लोग वहीं पर देख करके और डाल देते थे, गाड़ देते थे। लेकिन कुछ एक म्यूरियल एरिया था पीछे मॉनेस्ट्री के पीछे, जहाँ पर उनका कल्चर था कि कोई मर जाता है श्रीलंकन स्पेशली इनके फैमिली में, तो वो उनकी एशेज लाते हैं, खोदते हैं गड्ढा, उसमें एशेज डालते हैं, वहाँ पेड़ लगाते हैं, मेमोरियल या बेंच रखते हैं, ऐसा उनका कल्चर था। तो मुझे लगा इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, इसको ऐसे क्यों, शी वॉज पार्ट ऑफ द संगा। तो मैंने दो तीन दोस्त मेरे थे उधर, उन सबको बुलाया कि हम ना इसका डेथ सेलिब्रेशन करेंगे। वो उन्होंने बोला वो क्या होता है, उन्हें तो नहीं पता कैट वी सेलिब्रेट डेथ, ओशो से हमने यही सीखा। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है भाई, कोई भी मरता है तो हम रोने धोना नहीं करते हैं, वी सेलिब्रेट इट एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द टाइम वी हैड, और इस भाव से हम उसको खुशी से सेंड ऑफ देते हैं कि उसकी अपनी आगे की यात्रा जैसी भी रहे अच्छी रहे। तो इसी ये भी मेरे लिए, मेरी दोस्त है तो ऐसे नहीं इसको बरी करेंगे। तो फिर हम गए, हमने एक शवल लिया, पॉल था मेरा एक दोस्त, उसने उसे डिक किया, एंड वी वर ऑन 4-5 पीपल, एंड हम सब ने इसे सर्कल में डांस किया, गाना चलाया, जो कि रेयर होता है मॉनेस्ट्री में, अलाउड नहीं होता। बट उसको बड़े भाव से हैप्पीली हमने उसे अंदर बरी किया, उसको नमन किया, और क्या बात, और अच्छे से डेथ सेलिब्रेशन उसका किया। तो उन सबको भी बहुत अच्छा लगा, उनके लिए कुछ नया था ये, और इतना देवर ऑल्सो वेरी चार्ज्ड, वेरी टच्ड, और फिर हमने एक दूसरे को गले भी लगाया, सबने ग्रुप हग किया, बड़ा अच्छा लगा वो मोमेंट में, एंड एवरीवन लेफ्ट। तो ये भी एक वहाँ कुछ घटा था जो मेरे को बड़ा टचिंग लगा।